आम आदमी पार्टी के बागियों ने केजरीवाल को खुली चुनौती दे दी है। आम आदमी पार्टी की पीएसी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले जा चुके योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण गुट ने आज आम आदमी पार्टी से जुड़े वॉलंटियर की बड़ी बैठक गुड़गांव में बुलाई है, जिसे स्वराज संवाद का नाम दिया गया है। दिल्ली के भीगे भीगे मौसम में आम आदमी पार्टी की आंदोलनात्मक राजनीति की कोख से रिमझिम सुरों की जगह अब बंटवारे का राग बहने लगा है। आंदोलन की कोख से निकला नारा सत्ता की दहलीज तक तो पहुंच गया, लेकिन राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में बेइज्जत हुए नेता अब आर पार के संग्राम में उतर पड़े हैं। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से आरंभ हो जाएगा, शाम 5-6 बजे तक चलेगा। देश के कोने कोने से पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक और कुछ विशेष मेहमान आके अपने विचार व्यक्त करेंगे कि जब हमारी राष्ट्रीय परिषद पर अतिथियों ने, किरायेदारों ने, पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया तो हम अपनी बैठक फिर से करें, और इसीलिए हम बैठक कर रहे हैं। जुबा पर स्वराज के पुराने राग के साथ केजरीवाल विरोधी नेताओं ने कंधे पर झोला लटका लिए हैं बैठक का एजेंडा तय करने के लिए। दिल्ली के जंगपुरा में सोमवार को दिन भर बैठकों का दौर चला, जिसमें प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, अजीत झा, राकेश सिन्हा, विधायक पंकज पुष्कर समेत 30 से ज्यादा लोग शामिल हुए। बैठक में मंगलवार को दिल्ली से सटे गुड़गांव की शिव वाटिका में सुबह से लेकर शाम तक आयोजित होने वाली स्वराज संवाद बैठक की व्यवस्था का पूरा एजेंडा तय किया गया। राज्यों से आए प्रतिनिधियों के ब्यौरे के मुताबिक बैठक में करीब 3,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में आम आदमी पार्टी के बाहर के नेताओं को भी न्योता दिया गया है, जिसमें मेधा पाटकर, कुलदीप नैयर, निखिल डे, अपूर्व बरुआ, मल्लिका साराभाई, रवि शेरगिल समेत 40 से ज्यादा नामचीन हस्तियां शामिल हैं। बैठक होने वाली है तो कुछ साथी बाहर के दिल्ली आ चुके हैं। कर्नाटक के प्रतिनिधि थे, अभी असम के प्रतिनिधि थे, यहाँ पर तमिलनाडु के प्रतिनिधि थे, यूपी के थे, राजस्थान के थे, मध्य प्रदेश के थे, गुजरात के थे, बिहार के थे, इन तमाम राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ अभी मौजूद थे। संकेत साफ है कि पार्टी के भीतर रहकर केजरीवाल गुट को चुनौती देने का सीधा ऐलान बागी गुट ने कर दिया है। वॉलेंटियर कार्यकर्ताओं और स्वराज के सवाल पर गंभीर चिंतन मंथन के साथ ये भी तय है कि केजरीवाल के तानाशाही भरे रवैये पर भी बैठक में खुली चर्चा होगी और भविष्य के रास्ते पर भी पूरी बात होगी। लेकिन क्या रास्ता पार्टी के बंटवारे तक जाएगा, या फिर बैठक के बाद केजरीवाल गुट की प्रतिक्रिया का इंतजार कर फिर कोई बड़ा ऐलान होगा, इस पर बागी गुट ने रणनीतिक मौन धारण कर लिया है। एक तरफ प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की टीम अरविंद केजरीवाल कैंप से टक्कर लेने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की टीम का कहना है कि उनका स्वराज संवाद की इस बैठक से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है कि अपने धड़े को सबसे ज्यादा मजबूत दिखाना। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई कोई संवाद होता है या फिर आम आदमी पार्टी दो हिस्सों में बंट जाएगी। कैमरा पर्सन सतविंदर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।